हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आपकी बीएड फर्स्ट ईयर, जैसा कि ऑलरेडी हम लोग ले रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आज का जो टॉपिक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक वो करेंगे हम लोग कोलबर्ग का सिद्धांत, कोलबर्ग थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कल जीन पियाजे का सिद्धांत हमने किया था, आज का जो सेशन रहेगा वो कोलबर्ग के सिद्धांत को हम लोग कवर करेंगे। हम लोग अभी यूनिट वन पर ही है चाइल्डहुड की। एक एक टॉपिक आपको 10 to 15 मिनट्स में कवर कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा सिद्धांत कैसे, हमें उसके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। रेस्ट इन डिटेल विद कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेंट। अगर आपको इन डिटेल्ड और भी चाहिए या फिर विद कॉन्टेंट की लिखना कैसे है, तो इसके लिए आप लोग सारे सब्जेक्ट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके, या व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो 8595500915 पर। पेड क्लासेस आर गोइंग ऑन, जो कि 27 से स्टार्ट हुई है। आपको अभी भी पेड बैच मिल जाएगा लाइव क्लासेस, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप या फिर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हो डायरेक्टली। राइट नाउ 40% डिस्काउंट इज देयर। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे अपना जीन पियाजे का सिद्धांत, हमने ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, प्रिंसिपल्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। अब आगे बारी आती है आप लोगों के थियरी की। जीन पियाजे का सिद्धांत करने के बाद आपका थियरी है कोलबर्ग की। कोलबर्ग को हम लोग कवर करेंगे। अब जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, जितना आप लोग शेयर करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट है। ये क्लासेस ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहेंगी आप लोगों के लिए, राइट। तो स्टार्ट करेंगे यहां से। कोलबर्ग थियरी थोड़ी सी टिपिकल है, पर धीरे धीरे समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, अगर हम इनके सिद्धांत की बात करें तो इनका जो सिद्धांत था किसके ऊपर रहा, नैतिक के ऊपर, नैतिकता के ऊपर। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। अपने सिद्धांत के अंदर अगर बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट थियरी दी है इन्होंने, इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या बातें बताई हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट में अपना थियरी एक्सप्लेन करी है, साथ ही में कुछ स्टेजेस एंड लेवल्स डिस्कस करी हैं इन्होंने, स्टेजेस प्लस लेवल्स बताई हैं, जिसको हम लोग अभी समझेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहली बात तो मोरालिटी होता क्या है, नैतिकता, कि हम लोग अच्छे काम करते हैं या नहीं, हम लोग किसी को बुरा नहीं बोल रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी सोसाइटी के साथ जो सोसाइटी हमसे चाहती है जैसा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। अब इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें, इनका एक्सपेरिमेंट हेन्स के ऊपर था। हेन्स की स्टोरी इन्होंने बताई अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, ये एक स्टोरी कहानी बनाई इस मोरालिटी को दिखाने के लिए, तो वो किन को लिया गया, हेन्स को। अब इनकी पूरी स्टोरी आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट के नाम से अपने टर्म्स में लिख सकते हैं, बस स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। अगर इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हेन्स की स्टोरी डिस्कस करी है। हेन्स कौन था? हेन्स एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला आदमी था, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था ये व्यक्ति। अब इसके साथ घटना क्या घटी, हेन्स नामक नाम का जो व्यक्ति था बहुत ज्यादा गरीब था। एक दिन इसकी जो पत्नी है ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। क्या पड़ गई? बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। अब भाई बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो फटाफट से ये हेन्स अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और स्ट्रेचर पर लिटा दिया, क्योंकि काफी ज्यादा बीमार थी। डॉक्टर आया, फटाफट भागते हुए डॉक्टर आया, और इस डॉक्टर ने कहा ये डॉक्टर है और ये हेन्स है।
अब इस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम अपनी, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अगर तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो एक इंजेक्शन है या एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन ला के दे दो, आपकी बीवी बच जाएगी। और अदरवाइज अगर आप लोग ये मेडिसिन नहीं ला सकते हैं तो अपनी बीवी को भूल जाओ, वो भाई चली जाएगी आपको छोड़कर। तो उसके पास यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो स्टोरी चल रही है, हेन्स बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था और अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता है। अब हम भी लोग होते तो हम भी कन्फ्यूजन में आ जाते कि भाई पैसे तो है नहीं, कहाँ से दवाई। वो जाता है मुँह लटकाता हुआ, वो इस दवाई को ढूंढने के लिए पूरे शहर को घूमता रहता है, कहीं पर ये मेडिसिन नहीं मिलती। पर अचानक से जाकर उसको एक स्टोर दिखा जहां पर ये मेडिसिन अवेलेबल थी। वो फटाफट से स्टोर पे जाता है और पूछता है कि भैया मुझे ये वाली मेडिसिन दे दो। और वो मेडिसिन, अब देखो जहां पे वो पूरी जगह नहीं मिल रही है, कहीं एक जगह मिल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर कोई 20 रुपए की भी चीज होगी तो वो उसको ज्यादा दाम बताएगा। तो उसने 20 रुपए की चीज के लिए उसने 2000 रुपए मांगे। इतने 2000 रुपए मांगे कि मुझे 2000 रुपए दो तो तुम ये मेडिसिन ले जाओ। अब भाई मैं गरीब हूँ, मैं किस, मेरी फैमिली मेरे इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से 2000 रुपए लाऊंगी। उसने सारे अपने दिमाग के घोड़े चला लिए, पर उसको नहीं समझ आया कि वो 2000 रुपए कैसे जुटाए। अब दोबारा से हेन्स के पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि या तो वो चोरी कर ले इस मेडिसिन को, अगर उसने चोरी, या फिर अपनी बीवी को मार दे। अगर उसने चोरी नहीं करी तो उसकी बीवी मर जाएगी, पैसे तो उसके पास है नहीं, या फिर अगर चोरी करी तो वो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसको जेल में, कोई हम गलत काम करते हैं तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को एक ही चूज करना पड़ता है। अब उसने कुछ नहीं सोचा, उसने सोचा मैं जेल जाऊं जो मर्जी करूं वो बात की बात देखा जाएगा, अभी मुझे अपनी बीवी को बचाना है। तो उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया, उसने चूज किया ये चोरी वाला ऑप्शन। तो उसने चोरी कर ये मेडिसिन चुरा ली और ला कर फटाफट से अपनी बीवी को दे दी और अपनी बीवी को बचा लिया, उसने अभी तक ये काम किया। तो इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, क्या हेन्स को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते, ये एक मेजर पॉइंट बन गया। यहाँ पे कोलबर्ग ने इस सिद्धांत को सिर रखा कि कुछ मजबूरी के भी काम होते हैं। अब यहाँ पर फिर से कुछ एक दुविधा आ गई है कि क्या आप अगर उसकी जगह होते तो आप चोरी करते या फिर क्या करते, आपका क्या डिसीजन होता। तो एक नैतिकता के ऊपर बेस्ड है। अब देखो इसी चीज को लेकर कोलबर्ग ने 2-3 बातें बताई हैं। वो क्या है, 2-3 बातें उसको समझिए। उन्होंने एक टर्म बताया है डिलेमा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुविधा। हमारे सामने कोई भी एक दुविधा आ जाती है, ये हम हैं, हमारे सामने ये दो रास्ते आ गए कि हम लोग ए को चूज करें या बी को चूज करें। अभी भी हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, हम लोग सोच रहे हैं कि कौन सा डिसीजन लें, ए चूज करें या बी चूज करें, जब हमारे सामने एक इतनी बड़ी दुविधा आ जाती है जिसमें से हमें दोनों इंपॉर्टेंट है पर एक को चूज करना होता है, वो दुविधा बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपसे बोला जाए एक तरफ आपकी मॉम है और एक तरफ आपकी वाइफ है, ठीक है, यहाँ पर ये सन है, तो यहाँ पर वो किसको चूज करेगा, अपनी माँ को चूज करेगा, अपनी पत्नी को चूज करेगा, तो उसके सामने एक दुविधा आ जाएगी बेसिकली, तो वो बहुत बड़ी कंफ्यूजन बन जाती है। पर दूसरा टर्म आया मॉरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है, नैतिक तर्क। अब वो व्यक्ति जब एक डिसीजन ले लेगा कि उसको किसको चूज करना है, तो यहाँ पे उसने डिसीजन ले लिया या जजमेंट ले लिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉरल रीजनिंग के नाम से कहते हैं। तो ये दो टर्म्स याद रखिएगा कि डिलेमा क्या होता है और मॉरल रीजनिंग क्या होती है। ये चीज आपको इसमें समझ में आ गई होगी। जैसे बार बार उस हेन्स के पास दो दो ऑप्शन थे, डॉक्टर ने कहा कि या तो मेडिसिन ला दो या अपनी बीवी को भूल जाओ, तो ऑब्वियस ये बात है वो भूल नहीं सकता है, वो मेडिसिन लेने चला गया। फिर उसके पास फिर दो ऑप्शन आए कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसे चोरी करनी पड़ेगी या फिर जेल जाना पड़ेगा। तो उसने एक ऑप्शन चूज करा कि मैं चोरी करूंगा। तो ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, ये होती है आपकी दुविधा जो आपके सामने आती है। समझ में आया। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत को और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेजेस और लेवल्स का डिस्कशन किया है। तो उन्होंने 3 तो लेवल बताई है और 6 स्टेजेस बताई है, मतलब कि हर एक लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं।
अब समझिएगा, अगर हम लोग लेवल वन की बात करें, लेवल वन क्या कहता है, दिस इज प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इस लेवल के अंदर दो स्टेजेस हैं, स्टेज नंबर वन पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली स्टेज जो आती है, आज्ञा का पालन करो, ठीक है, आज्ञा पालन, आज्ञा का पालन करो या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। आपके पास ये दो स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज आती है आपकी स्टेज नंबर टू, टिट फॉर टैट वाली स्टेज, या हम इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज वाली स्टेज। अब इन दोनों स्टेज को ध्यान से समझिएगा। स्टेज नंबर वन क्या कह रहा है कि हम बच्चे को इस तरीके से सिखाते हैं जब बच्चा छोटा होता है कि वो अपने मम्मी पापा की जो भी बातें वो कह रहे हैं उसका पालन करे। अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा चोरी नहीं करनी, कोई गंदा काम नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को गाली नहीं देनी है। तो ये बच्चा अगर इस चीज का ओबे करेगा, पालन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसको मिलेगी पनिशमेंट। क्या मिलेगी उसको, पनिशमेंट। तो ये आती है स्टेज नंबर वन के अंदर, बच्चा छोटा है। धीरे धीरे एक्सचेंज वाली स्टेज क्या कहती है कि आज ये बच्चा है और ये एक उसका दोस्त है, अगर आज ये बच्चा लंच लाना भूल गया तो ये इससे कहता है कि भाई तुम मुझे अपना लंच खिला दे, मैं अपना लंच लाना भूल गया हूं। तो वो कहता है कि ठीक है मेरे पास दो रोटी है तू भी खा ले। ठीक है, तो ये आज इसको शेयर करा देता है, शेयर करा देता है। पर कल को अगर ये वाला बच्चा नहीं लाता है लंच तो वो उससे बोलता है कि कल मैंने तुझे शेयर कराया था, आज तू मुझे शेयर करा। तो वो कहता है कि ठीक है, सोचता है कि इसने भी मुझे कल रोटी दी थी, आज मैं भी इसे खिला देता हूँ। तो जैसा आप बच्चे के साथ करोगे वैसा ही वो बच्चा आपके साथ करेगा। तो इस लेवल को बोलते हैं टिट फॉर टैट वाली स्टेज। अगर कल को ये वाला इसको नहीं खिलाता तो ये भी आज उसको नहीं खिलाता। तो जैसे को तैसा वाली जो स्टेज होती है वो आपकी एक्सचेंज मीन स्टेज नंबर टू का हिस्सा होती है। समझ में आ रहा है? इसके बाद आती है लेवल टू। लेवल टू कौन सी स्टेज है? कन्वेंशनल स्टेज। इसी के अंदर दो स्टेज फिर आ जाती है, स्टेज नंबर थ्री, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन वाली स्टेज या गुड बॉय वर्सेस गुड गर्ल, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की वाली स्टेज जो होती है। अब इस स्टेज में कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर हर कोई बच्चा ऐसा काम करता है कि जिससे उसे शाबाशी मिले, मींस कि उसको एप्रिसिएशन मिले, एप्रिसिएशन मिले। वो ऐसा काम करने की कोशिश करता है, हर बात पे उसे शाबाशी मिले, उसके पेरेंट्स से, उसके टीचर से, उसके टीचर ट्यूशन टीचर से, हर जगह से उसे यहाँ पे वाह बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ये जो शाबाशी मिल रही है उसे उसे खुशी मिलती है। तो ऐसा काम बच्चा करने की कोशिश करता है, अपने पेरेंट्स की जो भी उनके डिजायर्स है उनको पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा कि तुझे इस बार फर्स्ट आना है क्लास में, वो उतनी मेहनत करेगी कि वो फर्स्ट आ जाए जिससे कि उसे शाबाशी मिले, उसके पेरेंट्स उसको बहुत वाहवाही करें। तो ये वाली स्टेज है कि यहाँ पे हर कोई लड़का हो चाहे लड़की है वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, राइट। स्टेज नंबर फोर क्या कहता है, ये होता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल स्टेज, आप लोग इसे बोल सकते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज के अंदर कि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट आप लोग बोल सकते हैं, ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। मींस यहाँ पे अगर आप लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन करोगे, उसको ऑबे करोगे, समझ आ रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाल दिया, लॉ कह रही हूँ यहाँ पे, एक ऑर्डर निकाला था कि सभी स्टूडेंट्स को या सभी जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर सभी को मास्क लगाना कंपलसरी है। तो ये ऑर्डर पास हुआ था
मास्क नहीं लगेगा तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन करोगे तो आप लोग तो ठीक हो, नहीं करोगे तो आप लोगों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको ऑबे करना आपका कर्तव्य है। यहाँ पर स्टेज नंबर 4 ये कहता है, ठीक। देन आता है लेवल नंबर 3, जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इस लेवल के अंदर क्या बात बताई गई, फिर से 2 स्टेजेस आ गए इसके अंदर। स्टेज नंबर 5 क्या कहता है, इसमें होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन। ये जो स्टेज है वो कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंधन। इस स्टेज के अंदर क्या बात बताई गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज के अंदर, कि देखो अब सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं। अब उस रूल्स, आपको पता है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को पता है अपने अपने क्या है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो उसके अंदर हमारा क्या है, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपके पास अपना एक राइट है, आप सभी के पास अपना एक अधिकार है उसके लिए लड़ने का, उसके लिए आवाज उठाने का। समझ में आ रहा है कि आज अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स भर रही हूं, ठीक है, गवर्नमेंट को मैं टैक्स दे रही हूं, अगर गवर्नमेंट मेरे इस पैसे का गलत उपयोग करेगी, गलत काम करेगी इस पैसे का, तो मैं उसको आगे से टैक्स नहीं भरूंगी, मैं इसको क्लेम कर सकती हूँ, मैं आगे से कोई टैक्स नहीं दूंगी। फालतू का पैसा अगर गवर्नमेंट डैम्स बनाने में, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने में करेगी, तो कभी भी गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि ये मेरा राइट है, मैं सही के लिए लड़ रही हूँ। तो ये हमारा क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है आप उसका जानते हो कि उसका क्या अधिकार है आपका, और आप लोग उसके लिए आवाज उठा सकते हो, आप इतना कैपेबल हो जाते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेज आती है स्टेज नंबर 6, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिक, यूनिवर्सल एथिक्स, सार्वभौमिक अधिकार। इसके बारे में क्या बातें बताई हैं यूनिवर्सल एथिक के बारे में, कि भाई हम लोग इस स्टेज तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, इस स्टेज तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, जैसे कि आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो लोग आर्मी में जाते हैं वो है, राइट, जो अपने अपने लिए ना सोचकर अपने देश का, देश के लिए सोचते हैं, अपने और लोगों के लिए सोचते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आप लोगों के भगत सिंह हैं, काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने इस देश के बारे में सोचा और अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो वो आपके, मतलब वो अपने लिए, हित के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो और देश के वासियों के लिए सोच रहे हैं। तो ये सार्वभौमिक एथिक होते हैं, क्या होते हैं, वो सार्वभौमिक एथिक होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि क्या चीजें बताई जा रही हैं आप लोगों को, क्लियर है। ये कुछ स्टेजेस, इसका एक्सपेरिमेंट, अभी इसको और डिटेल के अंदर मैंने कोर्स में करा रखा है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, बट हाँ आपको ब्रीफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है कि कौन सी स्टेजेस, लेवल्स, और उसकी यहाँ से आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, टर्म्स क्या है। आपको ये थियरी तो समझ में आ गई होगी कि जिस तरीके से बताया गया है एग्जाम्पल के साथ, क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, पेड बैच है मेरा, पेड क्लास है, उसके अंदर मिलते हैं। जो जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं वहाँ पे ज़रूर कनेक्ट होइए, एक आपको जिस्ट यहाँ पर मिल गया, एक फटाफट रिवीजन आप लोग कर सकते हैं इन टॉपिक्स की। थैंक यू सो मच। सेशन समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर शेयर करें, ठीक। थैंक यू।